नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोका सिरप के बारे में। कोका सिरप में आपको सारे हर्बल सामग्री मिलती है जो आपके बीमारी के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ में आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। इसके आपको 5 से 6 सामग्री मिलती है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तुलसी, तुलसी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिससे शरीर में रोग दूर होती है, इसके कई बीमारी का भी खात्मा होता है। वसा, यह कफ को पतला कर बाहर निकालता है और गले में इन्फेक्शन को आराम देता है। कुलंजन, ये अस्थमा रोगी के लिए बहुत उपयोगी है। ये सांस लेने, गले में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, जुकाम, गला बैठना आदि रोगों में उपयोग किया जाता है। एष्टी मधु, इसको मुलेठी के नाम से जाना जाता है। ये गले के रोग और पेट के आदि रोग को कम करता है, जैसे गले में दर्द, सीने में जलन, गैस आदि रोगों में उपयोग किया जाता है। पीपली, ये कफ को बनाने से रोकता है और खांसी में आराम देता है। इसके भी कई और उपयोग है, जैसे मोटापा कम करता है, अस्थमा, सिर दर्द, जुकाम और भी कई अनेक फायदे। सतपुदीना, ये जुकाम, सर्दी, नाक बहना, बंद नाक को खोलना आदि में उपयोग है। इसके भी और फायदे, जैसे पेट दर्द, खाना न पचना, गैस होना आदि पेट के रोग के लिए भी उपयोगी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोका में सारे हर्बल सामग्री डाली गई है जिसके कई सारे फायदे हैं, और ये बताना मुश्किल है कितने फायदे हैं, लेकिन सिरप के रूप में आपको इसके फायदे बता देता हूँ कि आप कैसी खांसी में उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। सभी प्रकार की खांसी के लिए आप इसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे सूखी खांसी, गीली खांसी, बलगम युक्त खांसी में, जुकाम बुखार में, सर्दी जुकाम, गले में दर्द, गले के रोग जैसे दर्द, छुअन, गले में खराश आदि के लिए। शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। बंद नाक, नाक बहाना आदि सभी रोगों में उपयोग किया जाता है। सिरप का सेवन से सुस्ती नहीं आती है जैसे और सिरप से आती है। इसे आप यूज़ कैसे करेंगे? सामान्य मात्रा में 6 साल तक के बच्चे 2 से 5 ml लें, 6 से 12 साल तक 5 ml, 12 साल से ऊपर 10 ml 3 टाइम। सो थैंक यू, धन्यवाद।